हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एचएसएससी एस एडवर्टीज़मेंट नंबर 11 स्लेश दो ज्वाइनिंग लेटर का जो आपका प्रोसेस है और जो ऑफर लेटर आपको मिल गया है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कैटेगरी नंबर दो असिस्टेंट लाइन मैन का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है यहाँ पर जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का था वो भी यहाँ पर आ चुका है और अब ये कैटेगरी नंबर तेरह का लेटर है आप यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि ये किस तरह का आया है क्या क्या परफॉर्मा इन्होंने साथ में दिया है ऑफर लेटर के क्योंकि कैटेगरी क्यों नंबर दो में जो ए का ऑफर लेटर आया था उसमें सिर्फ मेडिकल के लिए बोला था कि आप मेडिकल करा के आओ और हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करा के जाओ उसके साथ जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाओगे तो परफॉर्मा लेटर दिया जाएगा लेकिन इस लेटर में क्या क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ और जिस कैंडिडेट ने भी ये भेजा है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ट्रस्ट किया एंड सपोर्ट किया थैंक यू सो मच जिस भी कैंडिडेट का है मैं उसका नेम यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी और आई विल हाइड हिज हर डिटेल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं हाइड कर लूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ भाई ज्वाइनिंग लेटर कैसा आया है कैटेगरी नंबर चार और कैटेगरी नंबर छब्बीस के कैंडिडेट प्लीज़ बार बार मत पूछिए इस हफ्ते आपका पक्का कॉल आ जाएगा और मैं आपको शाम तक बता दूंगी कि भाई क्या कंफर्मेशन मैसेज मिला है ऑफिस के थ्रू ओके नाउ लेट्स मूव टू वीडियो सबसे पहले भाई मैं दिखा दूं कि ऐसे आया है पोस्टल ऑर्डर से आया है जैसा कि आपको पता है और मैंने यहाँ पर नेम उसका हाइड कर लिया है उनका सॉरी ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन कलर्क फील्ड इन एच वी पी एन एल कैटेगरी नंबर तेरह के लिए बात हो रही है ग्यारह श्लैस दो हजार उन्नीस और बहुत बहुत बधाई हो आपको जिनका भी यहाँ पर मतलब सेलेक्शन हो गया है ओब्वियसली फाइनली सेलेक्टेड हो आप और ऑफर लेटर आपका आ गया है तो देखिए दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन कलर्क इन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर ग्यारह श्लैस दो हज़ार उन्नीस कैटेगरी नंबर तेरह डेटेड पाँच सात दो हज़ार उन्नीस ये एडवर्टीजमेंट थी आपकी पाँच सात दो हज़ार उन्नीस की यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की वो देखिए यू विल बी ऑन प्रोवेशन फॉर टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज पर ट्रेनिंग पॉलिसी हाव एवर द ट्रेनिंग पीरियड में बी इनक्रीज भी हो सकता है भाई आपका ट्रेनिंग पीरियड और डिक्रीज भी हो सकता है ठीक है अथॉरिटी के द्वारा फर्दर योर यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा है सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एंड डिस्पराइज विद विदाउट एजाइन एनी रीजन इफ योर वर्क एंड कंडक्ट सेम चीज हैं जो हमने पढ़ी थी कैटेगरी नंबर दो में कि भाई अगर आपका कोई फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है अगर आपकी सर्विस के दौरान कुछ ऐसा मिसबिहेव कंडक्ट किया जाता है या या जाता है तो आपको बिना किसी नोटिस के टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा यू विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनी वेयर आपको हरियाणा में कहीं भी एच वी पी एन एल के डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कहीं भी यहां पर भेज सकते हैं इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द अपॉइंटमेंट ये टेम्प्रेरी है एंड योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड बाई गिविंग वन मंथ नोटिस बाई एच वी पी एन एल ऑन द वन साइड एंड यू ऑन द अदर साइड बाय डिपोजिंग विद द एच वी पी एन एल आपको वन मंथ पे प्लस अलाउेंस इन लाइव देयर फोर ये आपका आपके लिए भाई ये पढ़ लीजिएगा मैं हमारा जो यहाँ पर मेन जो मोटिव है वो है ये दिखाने का कि ऑफर लेटर के साथ और क्या क्या आया है आपको पास करना होगा तो यू विल हैव टू पास द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिशिएशन एंड एप्लीकेशन जिसे एस कहा जाता है जो कि कंडक्ट किया जाता है हर के द्वारा इन केस अगर आप फेल हो गए हो तो यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर नेक्स्ट प्रमोशन के लिए नहीं जा पाओगे ये सारा लिखा हुआ है ये वही चीज़ है कि योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस आपको यहाँ पर सारे ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे फिर ये है कि भाई अगर कोई मैरिड है तो एक वाइफ हो और लड़की के बारे में है तो हस्बैंड हो अगर बैचलर हो अंडर एनी पर्सनल कस्टमरी लॉ एप्लीकेबल टू यू यू आर नॉट ए डिसमस्ड गवर्नमेंट के द्वारा डिसमस नहीं किए गए हो एफ आई आर नहीं हो कोई केस आपके पेंडिंग नहीं हो और कोई क्रिमिनल केस नहीं हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ ठीक है एक चीज और बताना चाहूंगी यू शैल प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट लेके जाना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फर्स्ट एंट्री इन टू निगम सर्विस फॉर सिविल सर्जन हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब आपको मेडिकल वगैरह यहाँ से करवा के लेके जाना है आ, स्टैंप लगवा के ठीक है now दिस वन यू विल बी रिक्वायर टू सर्व एंड लाइबल टू बी ट्रांसफ़र टू एनी ऑफिस अंडर द ये भाई वो कह रहा है कि भाई आपकी ट्रांसफ़र हम हरियाणा के अंदर एच यू पी एन एल जितने ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर कहीं पर भी कर सकते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शनस हैं यू कैन रीड हेयर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे उसके बाद जो हमारी काम की बातें हैं वो ये हैं कि भाई यहाँ पे देखिए यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन टू है नौ छ दो हजार इक्कीस से पहले पहले नौ जून से पहले ऑन एनी वर्किंग डे फ्रॉम नाइन ए एम टू फाइव पी एम आप जा सकते हो इन द ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन एच वी पी एन शक्ति भवन सेक्टर छे पंचकूला आपका जो भी ये ऑफर है ये आपको लेके जाना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको लेके जानी है आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके पासपोर्ट साइज़ के लेके जाने हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मैट्रिकुलेशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है और हिंदी सिलेबस हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो आपका वहाँ पे दिया हुआ होता है आपको भाई अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है हैडीकैप्ट हो तो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे चलेगा एफिडेविट आपका अटेस्टेड होना चाहिए ओथ कमिश्नर और एनी अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्टेड शोइंग दैट एफिडेविट देखो यू आर नॉट ए डिसमस्ड गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट और ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्यूंग मॉरल टर्परेट ये मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है यू हैव ओनली वन लिविंग हसबेंड ये वाली चीज केस इफ यू आर मैरिड यू विल गिव ए डिक्लेरेशन आपको देनी होगी अगर आप अनमैरिड हो तो आपको डिक्लेरेशन देनी होगी दैट यू विल नॉट गिव और टेक और अबैट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डोरी की आपने दहेज वगैरह नहीं लिया है सेम चीजें हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो भाई जो ए का ऑफर लेट रहा था उनके साथ ये नहीं था वो उन कैंडिडेट्स को दिया है जो मेडिकल करा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आए हैं वहाँ पे आपको जाने के बाद दिया है लेकिन कैटेगरी नंबर थर्टीन एलडीसी के जो यहाँ पर ये ऑफर लेटर है उनको साथ के साथ दे दिया गया है कह सकते हैं कि भाई ये कम पोस्ट हैं इसीलिए और आपका ज़्यादा लंबा प्रोसेस चल सकता है तो इनका साथ के साथ दे दिया है यहाँ पर ये मैंने आपको सब कुछ बता रखा बता रखा है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फॉर्म में आपको क्या लगाना है यहाँ पे आपको फोटो लगाना है यहाँ पे अपना सरनेम और नेम लगाना है यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है यहाँ पे आपका होम एड्रेस डालना है और अगर आप पाकिस्तान से हो तो यहाँ पे डाल देना है यहाँ उसके बाद आपका पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव हाँ रिजाइडिंग मोर देन वन ईयर जहाँ पे आप एक साल से ज़्यादा रह रहे हो यहाँ पर आपको ईयर डालने हैं और यहाँ पे एड्रेस डालना है फादर का नेम डालना है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालना है परमानेंट होम एड्रेस उनका प्रोफेशन उनका डेजिग्नेशन अगर वो सर्विस में है तो उनकी नेशनलिटी फिर फादर मदर हस्बैंड वाइफ प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड वाइफ मतलब ये देना है कि अगर आप अनमेरिड हो ना तो फादर और मदर का डालो अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ के बारे में भी डालना और फिर प्लेस ऑफ बर्थ डालना और हस्बैंड वाइफ का यहाँ पे डालना उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपकी दसवीं की मार्कशीट के आधार को लेकर यहाँ पे मांगी गई है तो वहीं डालनी है प्रेजेंट की एज अब कितनी हो गई है आपकी मेट्रिकुलेशन पे कितनी थी जब आपने दसवीं की थी कितनी एज थी हाइट आपकी चेस्ट आपका आइडेंटिफिकेशन मतलब कहीं पे भी फेस पे या हैंड पे या पैर पे कहीं पर भी ऐसा मार्क जो कि आपकी पहचान बताई प्लेस ऑफ बर्थ बताना है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है स्टेट लगता है आपका यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में तो वो डालना है आर यू मेंबर ऑफ अगर शेड्यूल कास्ट से हो या कोई भी आपकी एस सी सी कास्ट है तो वो यहाँ पर यस या नो डालना है आपका यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप मेंबर हो शेड्यूल कास्ट के उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है सारी ठीक है अच्छे से डालना भाई कोई मिस्टेक मत करना उसके बाद अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय रहे हो तो यहाँ पर आपकी पोस्ट किस पोस्ट पे रहे हो पीरियड फुल एड्रेस वहाँ का क्योंकि वेरिफिकेशन होने जाता है ये चीज़ आपकी डिटेल रीज़न लिविंग मतलब आपने वहाँ से क्यों छोड़ा और अगर आप यहाँ पे ई एक्स ई एस ओ या ई एस एस या एक्स सर्विस मैन अगर आप यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं हैव यू एवर बीन कन्विक्ट बाय अगर आपका कोर्ट के द्वारा कोई भी आज तक केस चला है तो वो यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं नाउ ये आपका थर्ड पेज रहेगा यहाँ पे अगर आपकी एफआईआर है या क्रिमिनल केस है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है आपके टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी लोकेलेटी के जो आपको जानते हैं उनका यहाँ पर देखो नाम आएगा भाई ठीक है आर यू मैरिड अगर मैरिड हो तो आप यहाँ पर इफ़ यू इफ़ नो प्लीज़ स्टेट नंबर ऑफ लिविंग वाइफ्स हजबैंड यू हैव आर यू मैरिड इफ़ नो प्लीज़ अच्छा अगर मैरिड हो तो वो मैंशन करना है, नहीं है तो नहीं करना मतलब यहाँ पे देख लेना भाई क्या करना है आई सर्टिफाइड दैट फॉर गिविंग जितने भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो सारी करेक्ट मैंने यहाँ पे फिल की हैं और मैं उन सब के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे आपकी डेट लिखी जाएगी प्लेस लिखा जाएगा सर्टिफाइड होना चाहिए गजटेड ऑफिसर से ठीक है तहसील में करवा लेना ये फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा सर्टिफाइड दैट आई नो कि मैं जानता हूँ इस बंदे को जो कि सन है या डॉटर है और यहाँ पे उनका श्री आपका नाम फॉर द लास्ट कितने ईयर से मैं जानता हूँ ये कितने मंथ से और ये नॉलेज में है ये अच्छे करेक्टर का है यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा यहाँ पे पता है किसका सिग्नेचर होगा जो आपका गेजिटेड ऑफिसर होगा ना जो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा उनका सिग्नेचर उनके डेजिग्नेशन उनका एड्रेस एड्रेस इन कैपिटल वर्ड कैंडिडेट डिजायर फर्दर इंफॉर्मेशन आपको आगे की कोई इंफॉर्मेशन अपने एड्रेस पे चाहिए तो अपने ना यहाँ पे एड्रेस डाल देना दैट्स इट भाई ये आया है करेक्टर सर्टिफिकेट आपका आई हैव नोन श्री मैं जानता हूँ इनको जो ये डॉटर है या स्नोप है श्री फॉर द लास्ट फाइव ईयर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज श्री इज़ नॉट रिलेटेड टू मी प्लेस डिटेल सिग्नेचर डेजिग्नेशन ये वो आए नहीं भाई जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ना आपके जो अगर आप गांव से हो तो सरपंच वगैरह के पटवारी से साइन करवा लीजिएगा अगर आप शहर से हो तो आपका जो वो वार्ड का मेंबर वगैरह होता है उनके सिग्नेचर आप करा लीजिएगा वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पे कर देंगे नो इशू और देखो लिखा हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर विद ऑफिशियल स्टैम्प भी लगनी चाहिए आपके यहाँ पे बाद बात करते हैं एफिडेविट 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 की आफिडेविट भी आपका आपका पर देखो या फिर आपका जो होगा वो यहां पे कर सकता है आपको एफिडेविट में यहां पे अपना नाम आपके पिताजी का नाम आपका आधार नंबर आपका रेजिडेंट यहाँ पे डाल डाल देना है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है ठीक है ये आपकी कैटेगरी नंबर सब कुछ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे डेट डाल देनी है आपको ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर देखो जिस भी डेट पे आप ये चीज़ करा रहे वो आपके प्लेस मतलब आप यहाँ पे अपने शहर या गांव का नाम डाल सकते हैं आप डेपोनेंट मतलब आपके साइन यहाँ पे बी आपके साइन ये वेरिफिकेशन हो गई आपकी यहाँ पे डेट यहाँ पे प्लेस उसके बाद ये यह यहाँ पे अटेस्ट कराना होगा आपको और भाई एक चीज़ और दी है कि आपका जो मेडिकल है ना मेडिकल वो करा लीजिएगा आपका मेडिकल होना चाहिए इसके बाद एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं आपको परफॉर्मा ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस करेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन आपको दी हुई है करेक्टर सर्टिफिकेट आपके गेजिटेड ऑफिसर से होना चाहिए ऑफ मतलब ये चीजें इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है आपके ऑफर लेटर के साथ सो ऑल ऑफ यू गाइज जिनका यहाँ पे ऑफर लेटर मिल चुका है आपको कंग्रेचुलेसन एंड कैटेगरी फोर कैटेगरी छब्बीस जितनी भी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं धीरे धीरे आपका प्रोसेस हो जाएगा आज कितनी तारीख हुई है सत्रह तारीख हुई है विद इन दिस मंथ आपका प्रोसेस हो जाएगा सब लोगों का आई होप सो और बाकी ना मैं आपको शाम तक बता देती हूँ मेरे को एक से बात करनी है तो वो आ, हिसार से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे तो आई विल टेल यू डेफिनेटली एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अबाउट द कैटेगरी नंबर तेरह एच यू पी एन एल ज्वाइनिंग प्रोसेस और परफॉर्मा लेटर उनका क्या क्या मिला है तो सो थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा थैंक यू